हेलो एंड वेलकम, मैं आपका दोस्त तेजस्वी शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने फेसबुक के माध्यम से लाइव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से दोस्तों। और आज हमारे बीच हमारे 15वें बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका नाम है मोहम्मद इरशाद। और आज हम उनसे लाइव बात करेंगे और उनसे जानेंगे या सीखेंगे कि किस तरीके से हम सभी के लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा है और किस तरीके से उन्होंने अपने हिम्मत और हौसले के बल पे अपनी तकदीर को बदल दिया कि वो आज इस मुकाम तक हैं। एंड दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतना सारा प्यार और सम्मान दे रहे हैं और मेरी छोटी सी कोशिश को इतना सराहा रहे हैं। मैं ऐसे ही अपनी छोटी सी कोशिश को जारी रखूंगा और आपके बीच जो है और भी नए अपने दोस्तों को लेके आता रहूंगा जो हम सभी के लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा है। और अभी हम मोहम्मद इरशाद जी से बात करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आप सबको इनसे मिलकर इनसे बात करके बहुत ही मजा आने वाला है, आप सबको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। तो हमारे बीच में है, हेलो मोहम्मद जी, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे दोस्तों के साथ फेसबुक के माध्यम से लाइव जुड़ने के लिए और अपनी मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी इन सबके साथ शेयर करने के लिए। मोहम्मद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप JNU से क्या कर रहे हैं? BA अरबिक थर्ड ईयर जी। मोहम्मद जी, आपको जो है किस प्रकार की जो है डिसेबिलिटी है, मतलब क्या परेशानी है? वो पोलियो की बीमारी है, उस वो परेशानी है। अच्छा अच्छा, तो ये आपको पोलियो कब हुआ? ये 5 साल की उम्र में। अच्छा, तो ये क्या मतलब कोई परेशानी थी या फिर कुछ क्या रहा इस तरीके से? ये अचानक हुआ था ये। अच्छा, जाहिर सी बात है मोहम्मद जी, जब किसी को इस तरह की परेशानी आती है, जब उसको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, तो उसको अपने जीवन में कई तरह के परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा क्या रहा, अगर आप हमारे दोस्तों के साथ कुछ बताना चाहें तो? जी, परेशानी होते हैं, जैसे कहीं आना जाना हो तो परेशानी होती है, सफ़र में जैसे बस में बैठना या ट्रेन वगैरह में जाना, आना जाने में, मतलब इधर दूर के सफ़र करने में बहुत परेशानियाँ होती है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। मैं मोहम्मद जी जानना चाहता हूँ कि आपके लिए आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस चीज़ को लेके? बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने यहाँ आने के लिए उनके बहुत से तैयारियाँ करवाई कि वहाँ जाओ, पढ़ो, आगे बढ़ो, वहाँ बहुत से सारी सहूलतें हैं, आगे जा चल के तुमको बहुत फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे मतलब उन्होंने सपोर्ट किए हैं मेरे फैमिली। अच्छा, बिल्कुल। दोस्तों, हम मोहम्मद इरशाद जी को सुन रहे हैं और इनके लिए फैमिली का बहुत ही सपोर्ट रहा। इनको मतलब पोलियो हो गया था 5 साल की उम्र में और उसके बाद इन्होंने जैसा बताया कि इनको कई तरीके की परेशानियों का बसों और ट्रेनों में सामना करना पड़ता है। मोहम्मद जी, मेरा एक सवाल आपसे बेहद ही खास और ये मेरा पर्सनल सवाल है। मैं योग का विद्यार्थी हूँ और मैं पूरे विश्व में जो है योग के लिए जाना जाता हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि योग आपके लिए क्या है और उसमें हम ऐसा क्या करें कि आप भी योग से जुड़ सकें और अपनी लाइफ को जो है बेटर बना सकें, अगर इस पर कुछ कहना चाहें तो।